हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजराना's किचन। आज मैं आपके साथ दम का चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। दम का चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये हमने 10 बादाम, 1/4 कप काजू, अगर आप साबुत काजू ले रहे हैं तो आप उसको भी 10 ही ले, और 1/2 बड़ा चम्मच चिरौंजी ले लिया है। और इन सभी को हम हल्का सा भून के इसका पाउडर बना लेंगे। आप चाहे तो इसे दूध के साथ पीस के इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए हम इसमें 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक, आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 4 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 6 लौंग, 200 ग्राम दही, 1/2 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 मुट्ठी कटा हुआ पुदीना, 8 से 10 हरी मिर्च, 3 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल, आप चाहे तो इसके बदले बाजार का रेडीमेड नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा तैयार किया हुआ काजू बादाम और चिरौंजी का पाउडर। और ये मैंने 3 मीडियम साइज प्याज को पहले ही फ्राई करके रख लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 1 चुटकी केसर को 1/4 कप दूध में डाल के पहले ही रख लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 100 ग्राम तेल डाल देंगे, ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसे मैरिनेट होने के लिए लगभग 2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे लगभग 1/2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें फॉइल पेपर लगा के इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अब हम इसे तेज आंच पे बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम आंच को बंद कर देंगे। अब हम ये एक तावा ले लेंगे और इसको हम तेज आंच करके अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर पतीला डाल देंगे और आंच को बिल्कुल कम कर लेंगे, और कम आंच पे हम इसे पूरा 1 घंटे तक इसी तरीके से दम पे पकने देंगे। ध्यान रहे, जिस बर्तन में आप चिकन को पकाएं वो बर्तन आपका थोड़ा हैवी हो, वरना आपका चिकन नीचे से जल सकता है। और आप चिकन को बिल्कुल कम आंच पे ही पकाएं, आंच आप बिल्कुल तेज ना करें, तभी हमारा चिकन स्वादिष्ट और मजेदार बनेगा। चिकन को पकाते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है, अब हम इसे खोल के देखेंगे। लीजिए, बनके तैयार है हमारा टेस्टी दम का चिकन, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चिकन भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, ये देखिए ग्रेवी भी इसकी कितनी परफेक्ट बनी हुई है। अब हम इसमें स्मोक देंगे। अब हम फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लेके चिकन के ऊपर रख देंगे, और एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको अच्छी तरह से जला के फॉइल पेपर पे रख देंगे। अब कोयले के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और जल्दी से पतीले को ढक देंगे, और 5 मिनट तक हम इस ढक्कन को बंद ही रहने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम फॉइल पेपर को इसमें से निकाल लेंगे। अब हम चिकन को डिश आउट कर लेंगे। दम का चिकन की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ नजराना's किचन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।